हेलो एवरीवन, दिस साइड योर फ्रेंड राहुल भादुड़ी प्रेजेंट विद न्यू एंड अदर कार लीक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। गाइस, फाइनली मारुति सुजुकी नेक्सा ने अपनी बलेनो को सीएनजी में लॉन्च कर दिया है और ये अपने सेगमेंट की फर्स्ट कार है जो आपको सीएनजी में देखने को मिलती है। अगर मैं इसके राइवल्स की बात करूं तो सबसे पहले हुंडई i20, उसके बाद टाटा की अल्ट्रोज, ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर है और काफी कमाल कॉम्पिटिशन रहता है इन तीनों गाड़ियों के बीच में। लेकिन मारुति कार बलेनो है तो आपको पता है मारुति कार कितनी कमाल की सेल होती है। इनके इंजन की रिलायबिलिटी और जो इंजन की परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी कमाल की होती है। और आपको एक बात तो काफ़ी अच्छे से पता होगी, मारुति गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी लो पड़ती है। तो अगर मैं हैचबैक में सेगमेंट किंग की बात करूँ तो ऑफकोर्स मारुति की बलेनो थी पहले भी और अब भी। अब तो सीएनजी में आ गए तो आप सोच सकते हो कितनी दबा के सेल होने वाली है। अभी ये सिर्फ पेट्रोल में आया करती थी तो ये 70,000 से 80,000 के आसपास सेल हो जाया करती थी हर महीने, तो अब तो ये गाड़ी सीएनजी में आ गई। नो डाउट मारुति बलेनो गाड़ी काफ़ी कमाल की है। सेफ्टी के अंदर भी मारुति ने काफ़ी अच्छा काम किया। अब आपको टॉप मॉडल में 6 एयरबैग मिलते हैं, हेड अप डिस्प्ले मिलती है, साथ में आपको 360 कैमरा मिलता है। तो अपने सेगमेंट के अंदर काफ़ी कमाल के फीचर्स लेके आती है मारुति बलेनो। और अगर मैं इसके सीएनजी वाले इंजन की बात करूँ तो उससे आपको सेम वो इंजन मिलेगा जो आपको अभी तक स्विफ्ट में फिर डिजायर मिलता था, 1.2 लीटर का फोर सिलेंडर इंजन जिसके अंदर आपको 78 पीएस की पावर मिलेगी और 98.5 एनएम का आपको टॉर्क मिल जाएगा। तो गाड़ी के अंदर परफॉर्मेंस काफी कमाल की मिलने वाली है, आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूँ तो आपको 30.5 KMPL की माइलेज मिल जाएगी, तो 30 किलोमीटर की एवरेज मिलेगी आपको मारुति बलेनो सीएनजी के अंदर। तो मेरे हिसाब से काफी कमाल का पैकेज बन गया है। आपको उस गाड़ी के अंदर सेफ्टी मिलती है, फीचर्स भी मिलते हैं और साथ में इतनी कमाल की माइलेज मिलती है। और ये सिर्फ आपको दो वेरिएंट में मिलेगी, पहला होगा डेल्टा एंड सेकेंड होगा जेटा। अगर मैं डेल्टा की प्राइस की बात करूँ तो 8.28 लाख, और अगर मैं जेटा की प्राइस की बात करूँ तो 9.21 लाख का। ये आपको एक्सोन प्राइस बताया मैंने। अगर मैं आपको उसके ऑन रोड प्राइस दूँ दिल्ली के अकॉर्डिंग तो जो उसका डेल्टा वेरियंट है वो 9.48 लाख का पड़ेगा और जो उसका जेटा मॉडल है वो 10.52 लाख का मिलेगा। तो गाड़ी का प्राइस थोड़ा एक्स्ट्रा, बट सीएनजी में आपको माइलेज काफ़ी कमाल की मिलती है, गाड़ी के अंदर सेफ्टी अच्छी मिलती है और फीचर्स एक से एक मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस ठीक है। लेकिन आप एक काम और कर सकते हो, आप गाड़ी का डेल्टा या बेस मॉडल जो भी आपको मॉडल उठाना वो उठा सकते हो, उसके बाद आप आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवा सकते हो, वहाँ आपकी सीएनजी 45 से 50 हज़ार के आसपास लग जाएगी। लेकिन ये जो कंपनी फिटेड सीएनजी है इसके लिए आपको 95,000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस की बात करूँ तो मैं कंपनी फिटेड सीएनजी की तरफ जाऊंगा, बाकी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप आफ्टर मार्केट सीएनजी लगाओ या फिर कंपनी फिटेड सीएनजी लो। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और गाइस एक बात और कहना चाहूंगा लास्ट में, अगर आप बाइक चलाते हो तो हेलमेट लगाना ना भूलना, और अगर आप कार चलाते हो तो आप सीट बेल्ट लगाना ना भूलना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। जस्ट नीड योर सपोर्ट, जाने से पहले सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना ना भूलना। तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि जब भी मेरे को वीडियो आए आपको थोड़ा नोटिफिकेशन मिल जाए।